फलम। वो कहता है कि तुझे रास्ता अच्छा लग रहा है तो आना, चिंता मत करना, आगे मिलूंगा। मेरा रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है, पर मिलेंगे एक ही जगह। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, पर किस्मत से दोनों की राहें जुदा हैं। न तुम बेवफा, तू आ रहा है गृहस्थ मार्ग से तो आ जा प्यारे, आगे मिलूंगा। तू आ रहा है संन्यास मार्ग से तो आ जा। तू आ रहा है दैन्य मार्ग से तो आ जा। तू आ रहा है कर्म योग से तो आ जा। तू आ रहा है योग से तो आ जा। तू आ रहा है समाधि से तो आ जा। क्यों कहते हो कि सब बेकार है? तू ही बस कार है और सब बेकार है। जब तक सब बेकार लग रहे हैं ना, खुद कार लग रहा है, तो मामला गड़बड़ है। जिस दिन वो पंक्ति है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसा बुरा न को। कटी उम्र सबको बुरा कहते कहते, कटी उम्र सबको बुरा कहते कहते, मैं खुद ही बुरा हूं ये अब जान पाया। मैं खुद ही बुरा था अब जान पाया। अगर अपना दिल तुझ पे कुर्बान पाया तो हर दुख से बचने का सामान पाया। तो हर दुख से बचने का सामान पाया। हमें क्यों है आपस में इतनी मोहब्बत? प्रश्न है, हमें क्यों है आपस में ये इतनी मोहब्बत? न तू जान पाया न मैं जान पाया, न तू जान पाया न मैं जान पाया। छलक आए हैं मेरी जो आंखों में आंसू, क्यों बहुत ढूंढने पर इंसान पाया। बहुत ढूंढने पर जो इंसान पाया, बहुत ढूंढने पर जो इंसान पाया। बहुत लोग देखे हैं हंसते हुए तो क्या, बहुत लोग देखे हैं हंसते हुए तो, मगर दिल सभी का परेशान पाया। मगर दिल सभी का, चाहे कोई परेशान यहां के लिए हो, चाहे कोई परेशान,
मगर दिल सभी का परेशान पाया। लेकिन यहाँ के लिए जो परेशान है वो परेशानी उसकी परेशानियों को जन्म देती रहेगी, लेकिन वहां के लिए जो परेशान है उसकी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। क्यों क्यों हो जाएंगी? कि अगर अपना दिल तुझ पे जो कुर्बान पाया तो हर दुख से बचने का सामान पाया, तो हर दुख से बचने का सामान पाया। क्योंकि देखना कुछ बाकी रहेगा ही नहीं भैया, जब तक यहां कुछ देखना है या वहां कुछ देखना है, तब तक तो परेशानी बैठी है ना। मन मगन है भयो अब को बोले, हंसा मान सरोवर पाया, ये ताल तलैया को डोले, मन मगन भयो अब को बोले, मन मगन भयो बोले। कोई रास्ता गलत नहीं है यदि हम सही है तो, और कोई रास्ता अच्छा नहीं है यदि हम गलत है तो। हाँ? कोई रास्ता गलत नहीं है हम सही हो, और कोई रास्ता अच्छा नहीं है यदि हम सही ना हो। कोई कारो करियल नाव या घोड़ा पछाड़ किसी भी रास्ते से निकलेगा तो लठियां मिलेंगी खड़ी हुई, उसके लिए कोई रास्ता सही नहीं है। लेकिन यदि उसी की प्रजाति की एक बहुत सीधी सादी सही अपने में सही श्यावर किसी भी रास्ते से निकल जाए, लोगों से रास्ता दिखा देंगे, यदि उस पर चला नहीं जा रहा होगा तो उठा के बिठा देंगे कि ले जा रास्ते पर पहुंच जा। कोई शंका? कटी उम्र, पूरी उम्र कट गई, बुरा कहते कहते, पर मैं ही बुरा था ये अब जान पाया। नाक के लिए करियल के लिए घोड़ा पछाड़ के लिए क्यों लठिया खड़ी हैं? भीतर प्यारे के जहर भरा है, हिंसा भरी है, फुसकारें भरी हैं, फन मारने की प्रवृत्ति भरी है, तो लठिया खड़ी है प्यारे। लेकिन जिसने सबको क्षमा कर दिया है और जिसने सबसे क्षमा मांग ली है उसके लिए सारे रास्ते खुल गए हैं, और रास्ता दिखाने वाले स्वयं आकर के कहते हैं ये रास्ता है, ये रास्ता है। इसलिए घबराना नहीं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, घबराना नहीं, तुम्हारे लिए तो सारे रास्ते खुले हैं। कभी कभी तो मुझे कहने का मन होता है कि कहीं रास्ते में ही तो नहीं भटक गए हो, रास्ता किसी ने पकड़ा दिया, कोई मार्ग पकड़ा दिया और बांध दिया कि इसके इधर उधर मत देखना, तो न जाने कितने रास्ते शॉर्टकट छटे थे, देखना मना था, हम चलते गए बड़ी दूर पहुंच गए। कभी कभी ऐसा भी,
क्यों? कभी कभी ऐसा होता है प्यारे, हो एक संत एक व्यक्ति को गोद में उठाता है और एक जगह पहुंचाता है, और एक संत एक व्यक्ति को गोद में उठाता है और दूसरी जगह पहुंचा देता है। दोनों अलग अलग पहुंच गए। एक लंका की भूमि में मूर्छित व्यक्ति को उठाता है पूंछ वाला, है लंका की भूमि में से उठाता है और कहां पहुंचाता है? राम की गोद में, है काम की गोद से उठाता है लक्ष्मण को, काम माने मेघनाथ, काम की भूमि में से उठाता है और राम की भूमि में राम की गोद में पहुंचाता है। लेकिन एक जगह क्या होता है, राजा प्रताप भानु को भी एक मुनि उठाता है और उसकी पत्नी के पलंग पर पहुंचा देता है, महलों में पहुंचा देता है, अर्थात काम की गोद में पहुंचा देता है। रास्ता न देखा हो, रास्ता न पता हो, और यदि रास्ता बताने का सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर हम वहीं पहुंचाते हैं दुनिया को जहां हम पहुंचना चाहते थे, या जहां हम पहुंच गए हैं, या फिर जहां पर हम हैं। अंतर मन से वो कपट मुनि कहां है, वहीं तो पहुंचाएगा, और अंतर मन से ये हनुमान जहां है वहीं तो पहुंचाएगा कि राम लखन सीता मन बसिया। चिंता मत करना मार्ग मार्गों की, आहो में अगर दम है तो घर बैठे ये बुलाएगी बदूटी, जनकपुर की बदूटी बुलाएगी। लेकिन क्यों बुला पा रही? क्योंकि इसके पास दृष्टि है, इसके पास दृष्टि है साहब। रह रही तो घर में है लेकिन इसकी निगाह कहां है? उसी पर, जो नगर की गलियों में घूम रहा है, है? निगाह कहां है? वहां। रह रही तो घर में है लेकिन निगाह नजर वहां है, दृष्टि वहां है। बहुत से लोग रहते तो जाने कहां कहां है और दृष्टि जाने कहां कहां है। अरे तू जहां बैठा है तू वहां नहीं है, तू वहीं पे जहां तेरी दृष्टि है तू वहीं पर बैठा हुआ है, हां? और जहां पर तुम्हारी दृष्टि है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ कहता है कि बस जहां पर तुम फोकस कर रहे हो, हैं, अपनी दृष्टि से अपनी वृत्ति से, हैं, वहीं तुम एक दिन पहुंचोगे। और मैं ये नहीं कहना चाहता पहुंचोगे, मैं तो कहता हूं कि तुम पहुंच चुके हो, पहुंच चुके हो। भैया प्रार्थना करती है ये बदूटी, मेरा यार बनके आजा, मेरा प्यार बनके आजा। मैंने तुझसे कोई नाता नहीं जोड़ा, तुझे जो मंजूर हो, तुझे जो मंजूर हो, साधक कितनी छूट दे रहा परमात्मा, है? क्योंकि मैं तो नाता जोड़ना भी जानता नहीं हूं ना। न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संबुतोभ्यम। मैं जानता तो फिर क्या था, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बस पाना चाहता हूं, पाना चाहता हूं तुझे जो अच्छा लगे, मेरा यार बन
के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे आंखें तरस रही है, दृष्टि तरस रही है, अपना मुझे बना जा रे बना जा, दिलदार यार प्यार। श्रीमद् भागवत में जो 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 गजराज ने स्तुति करी है ना, गजराज ने कभी उसे पढ़िएगा, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना, उसने कोई नाम नहीं लिया परमात्मा का, उसने नहीं कहा कि तू राम बन के आ, कृष्ण बन के आ, कि तू अल्लाह बन के आ, कि महावीर बन के आ, कि बुद्ध बन के आ, कुछ नहीं कहा, तू जो हो सो, मुझे जरूरत है तेरी, बस तू आ जा, मुझे जरूरत है बस। कोई बालक नहीं कहता अपनी माँ से कि तू पीली साड़ी पहन के आ, कि लाल साड़ी पहन के आ, कि नीली साड़ी पहन के आ, तू मेरी माँ है, तू आ जा, ये तो सब बाने हैं ऊपर के, हैं कि तू बुद्ध बन के आ, कि तू महावीर बन के आ, कि तू जैन बन के आ, हैं तू राम बन के आ, कुछ भी बन के आ, आ जा। दिल की पुकार होनी चाहिए सिर्फ दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी यार। अब परमात्मा प्रेरणा करता है साहब, तेरी खुद की अंदर की मांगों में से ही रास्ता उपजेगा, तेरी अंदर की मांग में से रास्ता उपज आएगा, तेरी भूख मां के स्तनों में दूध पैदा कर देगी, सब तरु फरे राम हितला। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, मुझे अब ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही, गैर मुमकिन है ये दुनिया, अपनी मस्ती छोड़ दे, ऐ मेरे दिल तू भी यह बेकार बस्ती छोड़ दे, मैं तो जा रहा हूं बेटा, लेकिन तुझे कहीं नहीं जाना, यदि तुझे मेरे वचनों में विश्वास है तो कहीं नहीं जाना, जिसके पास मैं जा रहा हूं मैं खुद भेज दूंगा, वो तेरी कुटिया पर तेरे पास अपने पांव से, अपने साधन से, अपने मार्ग से, समझिएगा साहब, नहीं तो अपने साधन से जाते हैं हम लोग, अलग अलग साधन है अपने अपने, अलग अलग मार्ग है अपने अपने, हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे तो मरो, लो जिम्मेदारी, जिसका जिस पे बल हो, जिस पे साधन हो, जिस पे मार्गों की जानकारी हो, पूरी मार्गों का मैप हो, नक्शा हो, तो खूब शौक से जाओ, लेकिन जिस पे कुछ न हो तो कुछ मत करो, बैठ जाओ है? और कह दो मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे। मैं तुमको दृष्टि दे देना चाहता हूं, मैं वृत्ति दे देना चाहता हूं, बस ये तुम्हारे पास आ जाए तो न बुलाना है न चलना है, बैठे रहो। कथा में तुम आते हो तो कुछ करते हो क्या? कुछ तो नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी गति हो जाती है साहब, तुम काफी मार्ग तय कर लेते हो, तुम्हें पता चले तो, सिर्फ बैठे बैठे ही तो मार्ग तय कर रहे हो, समझते हो कि नहीं समझते हो, मार्ग तय हो रहा है,
और यहां से चलने के बाद तुम बहुत चलते हो हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मार्ग तय न हो तो कोई बात नहीं, कहीं तुम बैक तो नहीं चले जाते हो। मार्ग तय न हो तो कोई दुख वाली बात नहीं है साहब, लेकिन कहीं तुम बैक तो नहीं चले जाते हो। बैक चले जाते हो साहब, उल्टे चले जाते हो, फिर तुम यहां आकर के बैठते हो, फिर ये व्यासपीठ, ये राम कथा, ये परमात्मा की चर्चा थोड़ा सा तुम्हारी गति आगे करती है, हैं? लेकिन जब बाहर निकलते हो फिर लौट के पीछे पहुंच जाते हो। क्या विचित्र मामला है, बैठ करके गति हो रही है और दौड़ते हुए गति नहीं हो रही हमारी। मतंग ऋषि कह गए कि बेटा तुझे कहीं नहीं जाना, तू तो बैठी रहना बस, परमात्मा यहां आएगा अपने मार्ग से, अपने साधन से, हैं? और अपने परिश्रम से। खुद प्रेरणा करेगा, खुद बोध देगा, खुद रास्ता बनाएगा, खुद रास्ता बताएगा, लेकिन कब? जिम बालक हे राखी मेहतारी, जिम बालक हे राखी मेहतारी, करूं सदा तिन की रखवारी। बालक बन जाओगे तब, असहाय बन जाओगे तब, पूर्ण शरणागत हो जाओगे तब, अपने पांवों से चलना बंद कर दोगे तब, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दोगे तब, अपने हाथों को चलाना बंद कर दोगे तब। करवे खाए लायक है गए हो, हैं? और कह दिया भगवान से हम कुछ जान गए हैं, तो बेटा चल अपने आप, हैं? जा। माँ बाप और पल्लू बांधते थे एक और का, तू लायक है तो ले एक और सफेद, हैं? अब तू लायक है ना, हैं? तो ले एक और, फिर एक तो माँ बाप दे देते हैं, फिर परमात्मा देता है कि ले एक और, ले लायक है ना, हैं? फिर रोक लगाता फिरता है, जा करके जाने कहां कहां है कि बस बहुत है, बस 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 क्षमा करो, सॉरी महाराज, लायक बनाना, लटका दिया वजन और पीठ पे लटका होता तो भी कोई बात नहीं प्यारे हो, पीठ पे लटका होता तो कोई बात नहीं, तुम दौड़ जाते, लेकिन तुम्हारे वजन पांव में लटकाया गया, पांव में। माड़े के नीचे क्या पूजे जाते हैं, कमर है? बस पूज करके ठप्पा लगा देता है कि ले बेटा बंद गया, हो गया कन्या, दान करो। रघुनंदन भूले बाके पांव में बंद कर, वो कुप्पा भूल गए, कुप्पा है वो। वजन लटकता नहीं यदि तू बालक बना रहता तो, माँ बाप जानते हैं ये बात, बाप जानता है, माँ भी जानती है, तमेव माता वो जानता है। अरे खूब कोशिश करोगे तो भी वजन नहीं बंधने देगा, कोशिश करी नारद ने, बोलो कोई कमी रही क्या? तब विवाह में चाहो कीना, नारद जी ने कही कि शंकर भगवान के पास तो तुम खुद गए प्रार्थना करवे, हैं? कि कैसे हूं, चाहे विनती मान लो, चाहे आदेश मान लो, हैं? चाहे जो कुछ मानो सो मान लो, पर कैसे हूं ब्याह, और हम खुद तुम्हारे जोर हाथ जोड़ के गए कि कैसे हूं, चाही माई मेरी करवाए दो,
बड़े पक्षपाती हो आप तो, एक चाह नहीं रहा फिर भी जबरदस्ती, और एक चाह रहा फिर भी। भगवान ने कहा नारद तू मेरा, भागवत की कथा में मैंने नहीं कहा नहीं है, पर आज बता रहा हूं मैं आपको, भागवत की कथा में भगवान देवऋषि नारद है ना, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की गोद से हुई है, ब्रह्मा जी की गोद से हुई है, और गोद से जिसकी उत्पत्ति हो, गोद में कौन रहता है? छोटा बच्चा। बड़ा हो जाए तो गोद में बैठा, छोटा बच्चा गोद में रहता है। तब भगवान ने कहा था नारद तू तो गोद का बच्चा है, मैं कैसे तेरी शादी कर दूं, और वो तो देवों का देव महादेव बड़ा है, लायक है, हैं? बाकी एक क्या मैं 100 शादी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पता था कि तू एक में मर मिटेगा, ताते मैंने होने नहीं दिया, मर जाएगा, ज्यादा लायक मत बनना, लायक बनते ही नालायक बनने में देर नहीं होगी साहब, तुम लोग लायक बने और माँ बाप ने वजन मान दिया, फिर बेई माँ बाप एक साल होती नहीं है तुम तो नालायक कहवे लग जा, बोलो कोई एक साल मुश्किल तो नहीं करते होगी, हैं? अच्छे रहते लायक न बनते तो, हैं? मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। अंदर से रास्ता फूटा, मार्ग फूटा, साधन फूटा, उसी बधूटी के अंदर से क्या उसको अंदर से प्रेरणा हुई, क्या कहती है वो पता है? अपने बच्चे को बुलाती है, 10-12 साल का बालक है, बेटा परमात्मा नगर की गलियों में आ गया है, लेकिन तेरी मां है ना वो दर्शन करने जा नहीं सकती, उसके पांव में बेड़ी पड़ी है, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, तेरी मां तो नहीं जा सकती, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा तो जा सकता है, और मेरा बेटा जा भी सकता है तो भगवान को ला भी सकता है, आज यदि तू परमात्मा को ला दे तो मैं क्या कहूं तेरे लिए, मां का ऋण सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरे सारे ऋणों से तू उऋण हो जाए और मैं तेरी ऋणी हो जाऊंगा। बेटा ने कहा मां यदि ये बात है तो मैं जाता हूं और भगवान को लेकर के ही लौटूंगा, चिंता मत करना। ऐसे ही जो जो परमात्मा से विशेष स्नेह करती थी, विशेष जिनकी दृष्टि परमात्मा पर थी, उन सारी बधूटियों ने ये रास्ता अपना लिया। अब ये कोई मार्ग तो नहीं है, ये कोई मुख्य मार्ग तो नहीं है, ये कोई साधन तो नहीं है, लेकिन परमात्मा जब तुम्हारे पास आना चाहेगा तो तुम्हें एक अलग मार्ग दे देगा कि ले, जरूरी नहीं है कि तू पुराने मार्गों से आए, पुराने रास्तों से आए, मैं रास्ता बना दूंगा। अरे रावण ने कहां बनाया था मार्ग परमात्मा को पास बुलाने का, हाँ? स्वयं बनाते हैं पुल जाकर के रावण के पास जाने के लिए जबरदस्ती। आप लोग कहोगे रावण कोई मूर्ख नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे देश के पड़ोसी देश अनाउंस करते हैं कि हम तो भारत पर चढ़ाई कर रहे हैं, हैं? और प्रधानमंत्री मौज ले, बाकी सभागार में नाच गानो हैरो हो और पिए खाए मौज कर, उधर तोपे चालू है जाए तो मौज ले, हैं? तो उसे राजनेता कहोगे, उसे प्रधानमंत्री कहोगे? रावण
को देखो, पुल बना करके राम की सेना लंका के बिल्कुल पास आ गई और रावण तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, मां तो अखाड़ा हो रहा, मां तो अपना जो पीना खाना होता है वो हो रहा है। मूर्ख है क्या वो? मूर्ख नहीं है, दस खोपड़ी वाला व्यक्ति है। हम लोगों के तो एक ही है, दस खोपड़ी वाला है। अरे भैया वो तो चाह ही रहा है कि जल्दी से जल्दी आओ, गावन में कहते ना आ बर्धमोए, वो तो चाह ही रहा है कि जल्दी से पुल बने वो चढ़ाई करे, हम तो तैयार बैठे हैं। तो रास्ता नहीं बनाया उसने, परमात्मा ने रास्ता बनाया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में भक्ति लग गई है, उसके हाथ में, समझ रहे हो कौन लग गई है? उसके हाथ पड़ गई है। कहां से लाया था? जनकपुर से है? हाँ, पंचवटी से, पंचवटी से ले आया, भक्ति हाथ पड़ गई है। अब उसे पता है कि जब भक्ति मिल गई है तो भगवान क्या, भगवान का बाप भी आएगा। अब मुझे जरूरत नहीं है साधनों की, जरूरत नहीं है रास्ता बनाने की, है? मैं क्यों जाऊं, क्यों ढूंढूं उसे? जनकपुर ने रास्ता बनाया, थोड़ा सा विश्वास कम रहा होगा, लेकिन रावण जानता है कि भक्ति हाथ लग गई है, बस भक्ति हाथ लग जाए। संस्कृत व्याकरण में भक्ति का अर्थ होता है भज सेवायाम धातु है, भज सेवायाम, तो सेवा की वृत्ति जिसके हाथ लग जाए, सेवा भाव, समर्पण भाव, शरणागत का भाव है? जिसके हाथ लग जाए, फिर वहां राम आएगा, अकेला नहीं आएगा, लक्ष्मण के हनुमान को भी संग लाएगा, है ना? बेटा राम को लेके आना है, ठीक है मां मैं जाता हूं। वो बच्चे गए अपने अपने घरों से निकल करके राम जी से, भगवान प्रणाम करता हूं, भगवान प्रणाम। कोई 10 साल का, 12 का, 15 का, 8 का, अपनी अपनी माओ की सेवा करने के लिए। सेवा केवल शारीरिक सेवा सेवा नहीं होती, शारीरिक सेवा तो बहुत ठीक है, वो भी अच्छी है, लेकिन केवल शारीरिक सेवा सेवा नहीं होती। जिसका पाना दुर्लभ हो उसे पाकर के मां को ला के दे दे के ले, भैया वो बालक है ना, कहते हैं भगवान आप जनकपुर देखने आए हो ना, बोले के हाँ, तो हम जनकपुर वासी हैं, यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, यदि आप चाहो तो हम जनकपुर दिखा दें। यदि आप किसी नगर को देखने जाओगे और नगर का वासी तुम्हें दिखाएगा तो तुम सही तरीके से नगर देख पाओगे, और यदि तुम उसके बिना चले गए तो तुम कुछ न देख पाओगे, क्योंकि उस नगर को देखने की दृष्टि नगरवासी के पास बहुत अच्छी होती है, है? बाहर के व्यक्ति के पास वह दृष्टि, और सचमुच वहां के निवासी की आंखों से, उसकी दृष्टि से तुम वो नगर देखो तो हर बात बता देगा।
हर बात समझा देगा। हमारी कलश यात्रा निकलती है तो कलश यात्रा में जहाँ बग्गी होती है तो वहां तो मेरे पास कोई बैठता नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर में गांव में ट्रैक्टरों में कलश यात्रा निकालते हैं तो ट्रैक्टर में पीछे बच्चे चढ़ जाते हैं गांव के, पता है वो बच्चे पूरा गांव बता देते हैं मुझे, भाई कान पे लगे रहते हैं गुरुजी जी हमारी अटाकी मैया है, जी हमारी कुरसैंडी मैया है, जी हमारी चामड़ मैया है, जी हमारा शंकर भगवान को मंदिर, जी फलाने आदमी को घर है, और इधर से रास्ता निकल जाता है ऐसे चले जाते हैं। उनकी नजर न हो उनकी दृष्टि न हो तो मुझे पता न चले कि ये क्या है, है? डोल करके आ जाऊंगा लेकिन पता चलेगा, क्योंकि उस नगर को देखने की दृष्टि उनके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो जहां का मर्मज्ञ जो हो है? उस मर्मज्ञ को साथ ले लोगे तो वहां के मर्म तुम्हें समझा देगा, वहां के मर्म तुम्हें वो दिखा देगा बता देगा। मर्मज्ञ विशेषज्ञ वो बता देगा। जनकपुर वासी सब दिखाने लगे, पूरा जनकपुर दिखा दिया और दिखा दुखू करके अब सबने देख लिया हो तो मेरी तरफ ध्यान दो। बड़े समझदार हो तुम लोग, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पर तुम्हारे दिल में क्या है ये सब मैंने जाना। टेंशन मत लिया कर, दिखाने वाला भी मैं ही हूं और वहां से हटाने वाला भी मैं ही हूं। दिखाऊं? भैया सब दिखा दुखू करके बच्चों ने कहा कि भगवान ने पूरा जनकपुर आपने देख लिया। राम जी ने कहा कि भैया अब आके बदले में हम तुम्हारी का सेवा करें, कुछ तो एक बात ध्यान रखना, क्या परमात्मा हो या महात्मा हो उससे तुमने यदि कुछ मांग लिया सांसारिक तो बहुत घाटा कर दिया, बहुत घाटा है ना। अरे प्यारे हो जिससे तुम मांग रहे हो जो देने वाला है जब वो तुम्हें मिल गया तो फिर उससे क्यों मांग रहे हो, उसे ही मांग लो ना कि चल मेरे आंगन चल मेरे घर चल मेरे घट में है, अब तू मिल गया अब पाना क्या रहा बाकी। और यदि वो देना चाहता है तो समझ लो पीछा छोड़ाना चाहता है कि ले झुंझुना पकड़ खेल। मम्मी होती है ना बच्चों की मम्मी, बच्चा तो मम्मी को पकड़ना चाहता है, मम्मी झुंझुना पकड़ा दे ले खेल ला है? तो नकली मम्मी और हो गई है घर घर में, पहले नहीं हुआ करती थी नकली मम्मी, जानते हो आप लोग इतनी बड़ी मम्मी होती है, इतनी बड़ी जैसे बालक माँ को दौड़ेगा माँ भाई मोड़े में घुसेड़ देगी ले अब बच्चा मम्मी में चुकुर 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 मिल गई मम्मी और काय चाहिए, रह गया प्यारा गोद से है, रह गया हृदय के अमृत से, रह गया मां के स्पर्श से है, क्यों रह गया नकली मम्मी में फंस गया। ऐसे ही हम सबका असली असली मां और असली पिता तो वो है ना, लेकिन हम संसार में हम दुनिया में
इन्होंने बच्चों ने कुछ मांगा नहीं कि ये दे दो कि वो दे दो, ये दे दो कि वो दे दो। ये बच्चे उस केवट से कम नहीं है, केवट आयु में भले ही बड़ा है, केवट ने भी कुछ नहीं मांगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ये तो टालने वाली बात थी कि चलो लौट के तब तक देखेंगे, है तब तक कौन जियो कौन मरे कौन देखी है। लेना तो था ही नहीं, जिनको देना नहीं होता है वो भी टालते हैं, और जिन्हें लेना नहीं होता वो भी टाल देते हैं। जिन्हें देना होता है वो टालते नहीं है, और जिन्हें लेना होता है वो भी सबर नहीं करते। कल किसने देखा भाई, आज दे यहां है मूल बाद में, मूल बाद में बोले पहले। हाँ हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जान जानी है जाएगी एक दिन, पौतानी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सबका चलो, गजलों के मार्ग से चलो, लोकगीतों से चलो, श्लोकों से चलो, चौपाइयों, ये सब मार्ग है, तेरे पास दृष्टि हो समय होकर पार निकल जाएगा। जो उधार कर रहा है समझ लो देना नहीं चाहता, टाल रहा है देना नहीं चाहता, और जो जो लेने के लिए भी टाल रहा है तो समझ लो लेना नहीं चाहता। अरे दे देना, अरे भाई दे देना। उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्। केवट कहता है फिरती बार, और फिरती बार लौट करके जब आए तो भगवान फिर देने लगे कि भैया तेरी उधारी। केवट ने कहा 14 साल हो गई भूले नहीं, तो कल शाम को एक बड़ी प्यारी बात, दलेंद्र की मां ने कही थी बड़ी प्यारी बात, बताए क्या कहा। देकर के याद नहीं रखना चाहिए, लेकर के कभी भूलना नहीं चाहिए। देकर के याद रहा तो किसी दिन मुंह से निकल जाएगा, हमने दिया था है? मारे जाओगे। मुंह से कह दिया देने के बाद तो गया काम से। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फले तबई जब करिए दुराऊ, दे करके कह दिया तो गए काम से, कोई मतलब नहीं है। दे करके कभी याद नहीं रखना चाहिए,
और लेकर के कवि भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें भूलना तो चाह लेकिन भूला, अरे मुझे मत तो कुसाया करो, कुछ कह लेने दिया करो। भैया ये बात बड़ी काम की है, मुझे रात बहुत अच्छी बात लगी। लेकर के कभी याद नहीं रखना चाहिए, है ना? बोलो बोलो, हाँ तो करो। अच्छा, अरे वही तो मैं देख रहा हूं। वैसे बड़ी देर में सोचा, आप लोगों ने चक्कर में पड़ गए, सस्पेंस में पड़ गए हैं, संशय। मैं गलत बोलूं तो टोक दिया करो, क्या हुआ? ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता, टोक दिया। पर लेकिन आपका भाव इतना अच्छा है, आप मैं गलत कहूं तो भी आप यही सोच रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मैंने ग्वालियर में सुनाया था ना, तो एक बार मैं गुजरात जा रहा था, बड़ा विश्वास रहे मेरा एक भक्त, और थोड़ी ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन तो मैंने फोन कर दिया, मैंने कि थोड़ा थोड़ा लेट आ पाऊंगा मैं, एक घंटा आधा घंटा। तो उसने कहा क्यों? वो इतना विश्वास उसके दिल में, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं बोलूं तो भी झूठ माने नहीं, बोल मेरे झूठ को सच माना। मैंने फोन कर दिया कि मैं एक आध घंटा लेट हो जाऊंगा। बोले काय? वो पूछती है लेट क्यों हो जाओगे, हम तो बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दाल बनी रखी है, आटा लगा दिया है, और निगाहें हमारी दरवाजे पे टिकी हैं, चाहे कोई आवे लगता है कि तुम हो। यदि भैंसा ने भी आके दरवाजा खटखटा दिया तो लगता है कि तुम हो। हटो तुम सामने से तो किसी हम और को देखें, हैं? जो नैनों में बस जाएगा वही तो दिखेगा। एक घंटा लेट, हम तो परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा हो गए तो हो गए, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी कोई लेट हो रहा हूं। बोले तब? मैंने कहा ट्रेन लेट हो रही है। बोले क्यों? मैंने कहा पंचर हो गई है। फिर उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है फिर, ठीक है, हाँ जब सही आया तो आ जाना। अब मैंने फोन रखा, अब मैं घर पहुंचा तो दोनों में झगड़ा हो रहा, उसमें और उसके उसके उनमें, लल्लू के पापा में। अरे बाकी छोरा को नाम लल्लू ही है, लल्लू के पापा में झगड़ा हो रहा। क्या बात है? अरे गुरुजी आप भी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोली जी जब इसे कह रही है ट्रेन पंचर हो गई है, और मैं कह रहा हूं कि ट्रेन पंचर नहीं होती, ये मान ही नहीं रही। तो मैंने कहा तू का गुरु थोरो से तेरी मान जाएगी, कहेगी मानेगी तो उसकी जिसने जिसको। अरे क्या बताऊं गुरुजी, पता क्या कह रही? मैंने कहा कि ट्रेन पंचर नहीं होती, तो कहती है नहीं होती होगी तो भी गुरुजी कह रहे हैं तो हो जाएगी, नहीं होती होगी तो भी होगी। हमें को समझावे? मैंने कि ये समझाने का विषय नहीं है, क्योंकि विश्वास दिल में होता है और दिल कभी समझता नहीं, समझती बुद्धि है, है? दिल कभी समझता, दिल तो वही समझता है जिसका दिल में निवास होता है, और वो जब समझ आता है तो फिर चाहे झूठ हो चाहे सच हो वो हाल समझ में आ जाता है। और जो दिल से निकाल दिया गया है, हैं? जिसका दिल में कोई स्थान ही नहीं है तो उसकी बात समझ में आने वाली नहीं है। ऐसा
लाख समझाओ, लाख समझाओ। विश्वास है केवट ने, केवट ने कहा कि तुम 14 वर्ष बाद आए, भूले नहीं। बोले भैया लेकर के हम भूलते नहीं है। मंगन लहाइना जिनके ना रघुवंशी न कर सहज सुभाव मन को पंथ पग धरन का मोहे अतिशय प्रतीति मन के हम लेकर के बोलते नहीं है भैया, इसलिए अपनी उतराई नहीं है। केवट कहता है तो फिर 14 वर्ष का कुछ लगेगा भी तो, क्योंकि जो कि क्यों तुम अंगूठी दिखावे लग गए। 14 वर्ष का कुछ तो थोड़ा चाहे दो रुपए सैकड़ा से कर लो, चाहे तुम 3 से कर लो। कुछ तो मैं उतना नहीं लूंगा जितना पहले आपने दिखाया। तो बोले तो राम जी ने कहा चल तू मुंह मांगा मांग ले बोल। तब केवट ने कहा तो ठीक है, मुंह मांगा तो ये है कि हम पे जो 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 था वाहन है हमने अपने वाहन में बिठाया, और तुम पे जो वाहन है तामे हमें बिठा लो, हिसाब किताब बराबर। हिसाब किताब बराबर। या जनकपुर के बच्चे कहते हैं हमने आपको ये नगर दिखाया, आपने नगर देखा, हमने अपनी दृष्टि आपको दी तब आपने नगर देखा, लेकिन अब कृपया करके आप अपनी दृष्टि अब हमें दीजिए, हमारे आंगन में डालिए, हमारे घर डालिए, हम पर डालिए, हमारी माँ पर डालिए। हमने अपनी दृष्टि आपको दी, अब आप थोड़ी सी कर में रह में नजर हम पर कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बलाएं भी आकर करेंगी भला क्या, जिस पर तुम्हारी रह में नजर है, भी ये दिन का सजर है। बलाएं भी आकर करेंगी भला क्या, जरा सा ये जादू, जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा दे, जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा दे। मुझे मेरी नजरों से अब तू दिखा दे, मुझे मेरी नजरों से। हमने अपनी नजरों से तुम्हें जनकपुर दिखाया, लेकिन अब हम अपने आप को भी तो देखना चाहते हैं। अपने मकान में ले जाना चाहता है, अपने मकान पे नजर डलवाना चाहता है, लेकिन मैं मकान का अर्थ सुबह कह चुका हूं। ठीक है, भगवान बोले चल। उंगली पकड़ ली,
पकड़ पाऊं ता पकड़ पाऊं तेरी उंगली पकड़ना क्या रहा बाकी पकड़ पाऊं तेरी उंगली पकड़ना क्या रहा बाकी पकड़ पाऊं तेरा दामन पकड़ना पकड़ना क्या रहा वो लेके चला उधर माँ है ना तो दरवाजे में बैठी बैठी बस इंतजार कर रही थी। अचानक देखा अरे मुझे लगता है भगवान आ रहे हैं, मेरा बच्चा भी है हाँ? अरे और मेरे घर में तो कुछ ऐसे ही पड़ा है, ना मैंने झाड़ा बुहारी करी, ना मैंने कुछ बिछाया, ना कोई तैयारी, ना भोजन पानी। प्यारे ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हारी तैयारियों का मोहताज नहीं है। तैयारी करे करे रह जाते हैं बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा महा आत्मा तैयारी करे करे रह जाते हैं। यानी कितने साधन करे, जप करे, तप करे, प्राणायाम करे, समाधि लगाई है, यानी कहां कहां तक तैयारियां करी और मकान खाली का खाली पड़ा रह गया सा। लेकिन इसने कोई तैयारी नहीं की। मौसम दीनन दीन हित, इसकी तैयारी देखिए। तुम समान रघुवीर, विभीषण ने कोई तैयारी नहीं की। क्या तैयारी की? तामस तन कछु साधन नाही, दृष्टि डालो घड़ी के माही, दर्द दिल की दवा की। ये प्रसंग पूरा हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन प्रसंग पूरा कर दूंगा तो कुछ लोग कल नहीं आएंगे, बोले पूरा है वो, अधूरा रखूंगा तो कल आएंगे। ठीक है, दर्द दिल खड़े हो जाओ। दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल कीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। आंगन में अपने नचा कर तो देखो, आंगन में अपने नचा कर तो देखो,
जरा सा ये जादू सिखा कर तो अब नाचने वालों का समय है साहब, ठीक है। चंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। भैया कल कोशिश करेंगे सीता जी को ब्याह है जाए तो धनुष टूट जाए तो वंशी की धुन के श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, बल्कि की धुनके हम मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। आरती के लिए चले, आरती श्री।